हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीए समाधान के एक और नए लेक्चर में आपका। और अब जो हमने स्टार्ट कर रखी थी, हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकेंड में। अभी सेमेस्टर सेकेंड की बात करें तो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। और पेपर फर्स्ट में उन्होंने नंबर दो चला रखी थी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के जो अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा सेकेंड टॉपिक था जिसके अंदर हम हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड और ऑक्सी अम्ल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने 13 से लेकर 16 17 वर्ग को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हम हमारा जो चल रहा है टॉपिक, हम क्या करें, कुछ यौगिक तत्वों को लेते हैं। उन तत्वों के जो बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्राइडों के बारे में, हैलाइडों के बारे में। जिस प्रकार से हमने क्या, बोरोन थे, बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन की हमने हैलाइडों के बारे में बात की थी। अब उसके बाद जो हमने चर्चा की बात करें हैं, हम क्या चाह रहे थे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हाइड्राइडों की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो पहला टॉपिक था हाइड्रोजन, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास, कौन सा, हाइड्रोक्सिल एमिन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर उसे कुछ बनाने की विधियां, निर्माण की विधियों को देखा। और अंत में जो हमने खत्म समाप्त किया उसमें क्या देखे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तथा गुण देखे उसके। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं और रिएक्शन करके क्या किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, पहले ही पढ़ देते हैं स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जब हम क्या, 3 हाइड्रोक्सिल एमीन जब लेते हैं, कितने लेते हैं, 3, जब हाइड्रोक्सिल आप जब एमीन ले लोगे तो इससे क्या होंगे, 3 तो निकल जाएंगे इसे जल के अणु। कितने निकल जाएंगे, 3 निकल जाते हैं इसे जल के अणु। क्या निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे जल के अणु। और एक बात करें, 1 निकल जाएंगे इससे अमोनिया, अमोनिया के व्युत्पन्न थे। और 2 क्या निकल जाएंगे इससे, N2। अब देखिए इसकी अवस्था होती है, नाइट्रोजन की होती है -1। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे यहां पर, जब देख रहे हो यहां पर -1, जब -1 से 0 की बात करते हो स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की बात करो, -1 से जब इसकी 0 की तरफ जाती है तो ये क्या बना लेता है, N2 बना लेता है। क्या बना लेता है, N2। जब कहां तक जाए, इसकी 0 की तरफ जाए, जब -1 से 0 की तरफ जाती है तो ये क्या बना लेता है, N2। पहले तो इसमें एक N और बच जाता है, जिसका जो स्थायित्व या जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -3 चले जाती है। कितनी चले जाती है, -3 चले जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये 3 हाइड्रोजन सिक्के के साथ क्या, तो जुड़ जाता है और अमोनिया का निर्माण करता है। अब हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है ये। जब मैंने 2 हाइड्रोक्सिल एमीन ली है और 2 में क्या होता है, Cl2 के अणु लेता हूं, तो एक तो चीज दिखाई देगी, जितने सीएल आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही यहां से क्या निकल जाएंगे, HCl। यहां से कितने निकल जाएंगे, HCl। तो यहां पर आपको एक चीज और दिखाई देगी, अभी भी इसके पास कितने बचे हुए, हाइड्रोजन 2 बचे हैं, तो 2 ही निकाल लेते हैं जल के अणु। 2 क्या निकालता है, जल के अणु। और यहां पर वापस पीछे क्या बच जाता है, N2O, सॉरी, 1 की जल का अणु निकालेंगे, बच जाता है यहाँ पर N2O। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेना, छिद्र छिद्र हाइड्रोजन दिखाई दे, ऑक्सीजन की बात करें 2 ऑक्सीजन संतुलित कर लिया हमने अच्छे से। अब पोटेशियम परगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात करेंगे तो पुनः आप क्या कर लीजिए, हमने हाइड्रोक्सी एमीन वापस 2 ही अणु लिए हैं, उसकी रिएक्शन आप पुनः 2 ऑक्सीजन से करवा देते हैं। जब इसके आप 2 ऑक्सीजन के साथ करवाते, एक जो प्रोडक्ट बनने वाला सब में वो क्या बनेगा, N2O। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, टोटल इधर किधर है, इधर टोटल जो हाइड्रोजन है वो 6 है, कितनी है, 6 है। और यहां से क्या बन जाता है, 3 सल्फर, 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल 4 है यहाँ पर, हाइड्रोजन की बात की 6, तो संतुलित हो गई। नाइट्रस अम्ल की जब बात करते हैं, नाइट्रस अम्ल किस प्रकार से निर्माण होता है, केवल और केवल 1 ऑक्सीजन लेते हैं इधर। जब 1 ऑक्सीजन आप लोगे तो
तो यहां से निकल जाता सिर्फ और सिर्फ केवल एक जल का अणु निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक जल का अणु निकल जाता है। यहां पर बचता है सिर्फ और सिर्फ एक H2 बचता है और एक N बचता है और एक क्या बचता है? O2। क्या बचता था? N2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल हम बोलते हैं। वो पढ़ेंगे हम अब चाहे गुण, रिड्यूस गुणों की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करें। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीन पढ़ेंगे, तीन नहीं सॉरी पांच पढ़ेंगे। एक तो फ्लेमिंग विलियन के साथ रिएक्शन करेंगे जो हमें क्या देगा? लाल अपचयक देगा। टॉलन अभिकर्मक की जब बात करेंगे तो वो क्या देगा? मेरा रजत परीक्षण देगा। और म्यूक्रिक के साथ करेंगे तो हमें काला अवक्षेप देगा। और फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देगा? फेरिस क्लोराइड देगा। और ये क्या देगा? हमें गोल्ड अवक्षेपित देगा। पहले फ्लेमिंग विलयन की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग जब विलयन की जब बात करोगे तो जब पढ़ते हैं CO4 लेते हैं, दोनों किसके लेते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन जो लेते हैं। जब हम रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो देखिए एक तो निकल जाता है इससे N2O। एक क्या निकल जाता है इससे? N2O। इसमें जब हम जल की जब बात करोगे, किसकी बात करते हैं? जल के अणु की। जब जल के अणु की बात करो तो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही होगी, इधर है तीन, तो तीन जल के अणु निकल जाते हैं। कितने अणु निकल जाते हैं? तीन जल के अणु निकल जाते हैं। और पीछे यहां पर क्या बच जाता है? चार बच जाते हैं, CU बच जाते हैं। और ऑक्सीजन की आप बात करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर है टोटल तीन और एक चार हो चुकी है और छह है। तो ऑक्सीजन कितने? छह। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं C2O। कॉपर भी चार हो गए हैं और ऑक्सीजन भी पूरी छह हो गई है। टोलन जब अभिक्रमक की बात करोगे तो उसके अंदर हम लेते हैं Hg को लेते हैं सिर्फ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? फिर पुनः हाइड्रोक्सिल एमीन के हम दो ही अणु लेते हैं। पुनः वही करना है आपको, हर बार यहां से क्या निकलेगा? N2O। इसको निकाल के रख दीजिए आप N2O। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको रिएक्शन करने का। अब हम क्या करेंगे? पुनः वही, चलिए जल देखिए जल कितना है, छह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। जल के अणु कितने बनेंगे यहां से? पुनः है तीन H2O। ऑक्सीजन के लीजिए दो इधर दो इधर, चार ऑक्सीजन होगी। Hg की बात करोगे तो Hg कितने बच गए हैं? चार Hg बच गए हैं। मर्करी क्लोराइड की बात करते हैं, मर्करी क्लोराइड, पहले मर्करी को हम Hg से लिखते हैं, ये हो गया है क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड हो गया है, ठीक है। और यहां पर हम कितने लेते हैं? ये चार ले लेते हैं, ठीक है। फिर पुनः इसकी जब रिएक्शन करवाओगे आप N2OH के द्वारा करवाते हैं। पहले यहां पर जो आपको Cl दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? चार जो Cl है वो HCl लेकर के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चार HCl, एक N2 तो निकलना ही है, ठीक है। अब जल के जब अणु की बात करोगे, इसकी बात करेंगे हम जल के जब अणुओं की बात करेंगे तो यहां से अगर आप बात करोगे तो चार हाइड्रोजन निकल चुके हैं, यहां से बचते हैं सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन, तो एक जल का अणु निकलता आपको दिख जाता है। जल का अणु कितना निकलता हुआ आपको दिख जाता है? एक और हाइड्रो, ऑक्सीजन ही पूरी होगी, बचती है मरकरी। और यहां पर आप देखोगे तो चार ही निकाले, आठ होते सिर बच्चे चार हैं, तो क्या निकाल देंगे? ये कुछ इस प्रकार से बना लेंगे Hg2OCl2, ठीक है। क्या आगे और रिएक्शन देखते हैं? पहला फेरिक क्लोराइड, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे फर्दर कर लेते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन को थोड़ा सा और यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पर बचा है दो Hg2 बचा है। इसकी जब रिएक्शन आप वापिस किससे करवा दीजिए? इससे करवा लीजिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। जब इसकी आप रिएक्शन करवाओगे पुनः वही करना है आपको, चार इससे क्या निकल जाते हैं? HCl।
जल के अणु कितने निकलने हैं? एक निकलना आपको पता है, N2O। जब जल के जब अणु की बात करोगे तो एक निकल जाएगा जल का अणु। ऑक्सीजन की बात कर, हाइड्रोजन की बात कर, हाइड्रोजन पूरे हो गए 6। ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, दो पूरे हुई है, N2 पूरे हो गए, यहाँ पर सिर्फ बचता है HG। HG कितने बचते हैं? 4 HG। ये होता है काला रंग, और यहां पर आपको दिखाई देगा वो था सफेद रंग। फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, 4 अणु लेंगे फेरिक क्लोराइड के, 2 ही लेंगे हम। पुनः जब आप रिएक्शन करोगे वही बात, इसमें हम क्या निकाल देंगे, पहले तो एक N2O निकाल देंगे। N2O ऊपर जैसे निकालते वैसे 4 HCl निकाल दीजिए। जल के अणु की बात करोगे तो एक जल का अणु निकाल दीजिए, और यहाँ पे क्या बचता है देखेंगे आप, क्लोराइड टोटल 12 थे, काम में कितने आए, केवल 4 बच जाते हैं, 8। और यहाँ पर दो दस, इसको इस प्रकार से Cl, फेरिक यहाँ पर 4 हो चुके हैं, क्लोराइड भी यहाँ पर टोटल 8 हो चुके हैं। जब गोल्ड की बात करो, गोल्ड को लिखते हैं हम Au से लिखते हैं, Cl3 आ जाता है पुनः, और ये हम 4 लेते, परंतु इस बार जो हम केवल के पहली बार हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोसेमीन के हम कोर कितने बार ले रहे हैं, 6 बार ले रहे हैं। तो देख टोटल लेके 3 और 4 12, पहले तो 12 यहाँ से निकल जाएंगे HCl, कितने निकल जाएंगे, 12 HCl निकल जाएंगे। जब हमें जल के अणु की बात करूंगा तो यहां से देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पर 6, तो 6 नाइट्रोजनों में कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 N2O, 3 ऑक्सीजन चलेगी, पीछे बचती 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन अर्थात 3 जल के अणु, तो यहां से 3 जल के अणु की भी मैं बात कर लेता। और जो पीछे की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, Au कितने बचेगा, 4। पुनः देख लीजिए, पहले हमने बात की थी स्टेबिलिटी अर्थात स्टैटू की बात की थी। स्टैटू हम कैसे चेक करते हैं, जब आप हाइड्रोजन एमीन के कितने अणु ले लेते हैं, 3 अणु ले लेते हैं। जब आप 3 अणु लेते हैं पता है हमें नाइट्रोजन के ऊपर कितना अवशेष होता है, -1 का। इसमें से क्या, तो दो नाइट्रोजन है वो 0 की 0 ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ चला जाता है, और क्या मिला जाता है, N2, और एक क्या चला जाता है, -1 से -3 की तरफ चला जाता है, तो क्या मिला जाता है, अमोनिया NH3 बना रहता है। दूसरे अगर बात करूं तो हेलोजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, हर बार एक चीज कॉमन रखना, एक तो N2O और एक क्या होता है जल आपको हर बार निकलता हुआ मिलेगा, और एक दूसरी चीज तीसरी चीज क्या है यहाँ से HCl। पोटेशियम के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर HCl नहीं दिखा देगा, जहां क्लोरिन होगा वही HCl दिखा देगा, आपको क्या निकलता है, N2O और 3 जल के अणु। नाइट्रस अम्ल के साथ ज्यादा रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस अम्ल का एक निर्माण करते हैं, यहाँ पर देखो नाइट्रस अम्ल निर्माण कर, यहाँ पर क्या H2O, तो ये भी थोड़ा देख लेंगे, थोड़ी सी अलग रिएक्शन आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपको HN2 बना रहा है ना केवल की N2O बना रहा है। अब चाय गुणों की बात करेंगे तो कुछ 5 अब चाय गुण है, किस प्रकार से, पहला है फ्लेमिंग विलयन। जब आप अमोनिया की जब रिएक्शन, अमोनिया हाइड्रोजन एमीन की जो रिएक्शन है वो 4 कॉपर ऑक्साइड के साथ कर देते हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाल अब 6 प्राप्त है, जो फ्लेमिंग विलयन के तहत है। टॉलर अभिक्रमण की बात करेंगे तो Ag, रजत की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये दो ही हम क्या है हाइड्रोजन अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, 4 HG निकल जाते हैं, तो हमें कौन सा परीक्षण देते हैं, दर्पण का, किसका देते हैं, दर्पण परीक्षण देते हैं, और 3 यहाँ से जल के अणु निकल जाते हैं, और एक क्या N2O निकल जाता है। फिर हम बात करें मर्करी क्लोराइड, मर्करी मतलब HgCl2 की जब बात करोगे, वापिस हाइड्रोजन अमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उससे लगातार क्या, 2 जल के अणु, 4 HCl और 1 N2, और बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या निकल, 2 HgCl2 निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक ही निकलेगा, ठीक है, सही कर लेना, ठीक है इसको। फेरिक क्लोराइड की जब बात करते हैं तो देखिए 4 FeCl3 की जब बात करेंगे, 2 यहाँ पर क्या है हाइड्रोसिल एमीन है, मैंने कहा पीछे शुरू कीजिए, एक N2 निकाल दीजिए,
फिर यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी बची, ऑक्सीजन बची केवल एक, तो एक ही जल कणों निकलता है, बाकी जो बचा प्रोडक्ट है वो लिख दीजिए फेरिक क्लोराइड, डाइक्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड की बात करेंगे पहली बार हम क्या लेंगे इसके अंदर, ये भी थोड़ी आपको अलग दिखाई देगी क्योंकि AuCl3 छह ले लेते हैं हाइड्रोजन एमीन की रिएक्शन ले लेते हैं, पीछे शुरू करते हैं केवल इसको छोड़ना है। इस रिएक्शन को हमने थोड़ा सा यहाँ पर आगे भी किया था इस रिएक्शन में, यहाँ पर तो काला अवक्षय प्राप्त होता है। लास्ट में हमें Hg अलग चाहिए, ये था समय तो ये काला अवक्षय प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से केवल को एक ही पद में करनी है रिएक्शन, तो Cl के लिए Cl 12 है तो 12 Cl अर्थात 12 हाइड्रोजन लेके जाएंगे तो 12 Hc। टोटल हाइड्रोजन की यहाँ पर संख्या बात के लिए टोटल 18 है, 12 चलेंगे बचते हैं 6, 6 हाइड्रोजन को आप सेट करोगे तो 3 जल के अणु के साथ मतलब 3H2। यहाँ पे N की बात करोगे तो N2 के रूप में लिखते हैं तो 3N2O बच जाता है 4 Au। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर उसकी कुछ और केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं, कुछ और केमिकल रिएक्शनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ही है ऑक्सीकरण, हम क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड। देखिए अब चेन के अंदर क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे वहां से N2O आपको हर बार निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा, ये कुछ अब चेन की उसकी प्रॉपर्टीज थी, गुण थी। आप रिएक्शन जब करते हैं ऑक्सीकरण जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको अमोनिया निकलता हुआ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा अमोनिया। दो रिएक्शन है हमारे पास इस ऑक्सीकरण से रिलेटेड, दोनों में आपको एक सिंपल सा है कि आपको अमोनिया निकालना है यहाँ से और जो भी प्रोडक्ट बचे वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, पहले हम जब बात करेंगे वो करेंगे फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, उसकी रिएक्शन आप पहले जल के साथ करवा दीजिए, फिर हम किसके साथ हाइड्रोजन अमीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, मैंने कहा है आप अमोनिया हर बार निकाल रहा है इसमें, तो अमोनिया को मैंने पहले निकाल दिया है। जब अमोनिया निकाल देते तो यहाँ पर कितने थे, 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन एक बचता है, इधर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इधर भी है, हाइड्रोजन की बात करें दो इधर और है, तो ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा FeOH2 और ये बना लेगा सॉरी 3 बना लेगा, कितना बना लेगा 3 और ये बना लेगा कुछ, ये क्या बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड से बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सोडियम आपको पता है सोडियम इस प्रकार से लिखते हैं 3 लिख लीजिए, आर्सेनिक अर्थात एस और पुनः आप वही लिख लीजिए, मैंने कहा आपको हर बार इससे अमोनिया निकाला, अमोनिया निकालते देखे बचता के इधर N3 सेम लिख दीजिए, एस सेम लिख देते हैं, ओ ऑक्सीजन एक तो इधर बची है 3 इधर, तो कितनी हो जाएगी 4 ऑक्सीजन हो जाती है। क्षारीय गुणों की बात करते हैं हम, कुछ नहीं क्षारीय गुणों में सिर्फ सूर्य के साथ ही ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इसके साथ केवल और केवल ऐड हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं इसी के अंदर H2SO4, ये कुछ इस प्रकार से बना लेंगे NH3OH, इसके हम दो अणु ले लेते हैं तो ट्वाइस हो जाएगी, ये क्या बना लेगा SO4। कार्बोनिल यौगिकों की बात करते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की एक खास बात है केवल और केवल एक जल का अणु निकलता है, क्या निकलता है इससे जल का अणु निकलता है। जल के अणु की बात करें ऑक्सीजन तो यहां से निकल जाती है और हाइड्रोजन दो यहां से ले लीजिए, हाइड्रोजन क्या लेते हैं यहां से ले लेते हैं तो एक जल का अणु निकल जाता है। ये जो समूह है जगह यहां पर बची तो यहां पर ऐड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीम भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड लगना ही है, फिर क्या आ जाएगा इसे OH, फिर क्या आ जाएगा CH3। आखिरी रिएक्शन हमारे पास संकुल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम, पहले हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर HNO3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसमें HNO3 ले लेते हैं, एक बार हम HNO2 भी लेंगे, एक बार हमने HNO3 लिया, कुछ नहीं करना, पहले हम इससे क्या निकालते हैं जल का अणु निकालते थे, क्या निकालते थे जल का, एक हमने जल का अणु निकाल दिया, एक क्या निकाल दी इससे N2 निकाल लेते हैं N2O,
कैसे निकाल देते हैं दो जल के अणु? दो जल के अणु निकल जाते हैं, दो ही हम यहां से क्या निकालते हैं, एन ओ। देख ली रिएक्शन पूरी हो चुकी है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर चार थे टोटल, चार मैंने हाइड्रोजन लिख लिए हैं। दो ऑक्सीजन की बात हुई, दो ऑक्सीजन भी लिख लिए, ऑक्सीजन टोटल दो और चार, और इधर भी चार हो चुके हैं। ठीक है, HNO2 की बात करते हैं, निकालते हैं एक जल निकालते हैं। इस बार केवल और केवल यहाँ से एक ही जल का अणु निकलेगा। जल का अणु कैसे निकलेगा? अब देखिए, जो बात करें यहाँ से क्या निकलता है, जल का अणु निकलता है। क्या निकलता है? जल का अणु। अगर इधर बात करोगे आप, इधर बच जाता है केवल केवल OH। क्या बच जाता है? OH, और इधर बच जाता है N। ठीक है, यहां से निकल चुका है एक ऑक्सीजन, यहां से क्या निकल चुका है, निकल चुका है एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी बचता है OH। इधर भी क्या बचता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाले हमने, ठीक है, और इधर बचने की बात करें, इधर एक तो निकल चुका है हमारा ऑक्सीजन, तो NO बचता है। ठीक है, इनके मध्य बंध बन जाएगा डबल बंध। इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, H2O2 व N2। ये पुनः अलग हो जाएंगे किस रूप में, N2O के रूप में अलग हो जाएंगे, और ये निकल जाएगा H2O। ऑक्सीजन टोटल हो चुके, इधर देखोगे तो चार, N2 2, और इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। उन कार्बनिक यौगिकों के अंदर एक समूह होता है जिसको बोलते हैं CO, जिसे कार्बोनिल समूह बोलते हैं। कार्बनिल समूह की हम क्या करते हैं, पहचान में इसका उपयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोक्सी एमीन का। दूसरा हम क्या करते हैं, ऑक्सीम बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। एक ऑक्सीम हमने बनाया था, ऑक्सीम बनाने में, और हम बात करें ऑक्सीम रासायनिक विश्लेषण में, रासायनिक विश्लेषण में भी इसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक विश्लेषण में। बस इतने ही उपयोग है इसके। पहले हमने बात किया कार्बनिक यौगिक होंगे, उन कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो उनके अंदर कार्बनिल समूह पहचान करने के अंदर, दूसरा ऑक्सीजन बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में रासायनिक विश्लेषण में, संरचना की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संरचना की। यहाँ पर लिख लेते हैं संरचना, जैसे अमोनिया की संरचना होती है पिरामिडीय, उसी प्रकार से इसकी संरचना भी पिरामिडीय होती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। केवल और केवल जहां पर एक एच आपको दिखाई दे रहा होता है वहां पर क्या जाता है, OH। तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनाते हैं, इसकी क्या होती है, संरचना पिरामिडीय होती है। आशा करते हैं आपको हाइड्रोजन एमीन से जो रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से समझ में आया। अगर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक तो हमने कल पढ़ा और आज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। 2 से 3 बार इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिएक्शनों को अपने हाथों से निकालिए, चीजों को पकड़िए। कॉमन चीजें क्या है, अपचयन के अंदर हमने पढ़ा, ऑक्सीकरण ने हमने अंदर देखा कि क्या क्या उससे प्रोडक्ट निकल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लगातार अध्ययन करते रहेंगे। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर साथ। धन्यवाद।